तीन को बच्चा है इनका, ऑलरेडी तीन तीन बच्चे के होने के बावजूद जो है ये इंसान शादी किया प्यार करके। अब जरा सोचिए हम कह दें क्या कर ले, क्या करना है मीडिया बुला के लगातार इंटरव्यू जारी होता है तो क्या हो मीडिया वाले ले जाइए बुला के दादी अपना सुनर महारानू के छोड़ के आई क्या प्यार हो गए भैया सजी। यही वो इंसान है जो एक घर में लेडीज रहते हुए भी ये बाहर से एक लेडीज को लेकर चले आए भैया, और घर में आते आते जो है समझिए कि झगड़ा स्टार्ट हो गया है। ये सासू माँ है इनकी, मतलब इनकी माँ है और इनकी सासू माँ है, क्या कहिएगा? क्या हम कहेंगे, आप तो झगड़ा करा रहे हैं घर में। काहे झगड़ा करा रहे हैं? जब आपकी एक पत्नी थी ऑलरेडी, हाँ। काहे लाए इसको? हमारी पत्नी वो नहीं है, हाँ। हमारी पत्नी ये है। मेरे घर वाले ने जो शादी किया वो गलत है। अरे घर वाले शादी किए तो हमारे मर्जी से थोड़ी किया। आपकी माँ यहाँ मौजूद है, बताइए आपका बेटा जो किया वो सही किया है? नहीं बिल्कुल सही है? नहीं किया, बिल्कुल सही नहीं किया है। हाँ। उनका तीन बच्चे हैं और पत्नी है, हाँ। और अब अच्छा कर दिए है, आप ही बताइए। आपसे कब शादी हुआ था इनका? सर 8 साल पहले। 8 साल पहले शादी हुआ था, हाँ। तो कैसे कैसे इन लोगों में प्यार हो गया है? ओ हम हमरा के पता नहीं कि इनका कैसे प्यार हो गई, कैसे ना भैली बाहर गए कमाए, और पता ना इनका के प्यार हो गए, इनका रस है के लेके चले लेने। तनी दिखा दी अपना सुनर महारानू के छोड़ के आईया के प्यार हो गए भैया सजी। अरे भाई जबरदस्ती की शादी ब्याह कर दी तो शादी कहलाई है? हम जगरा से प्यार कर रहुआ इनका के ना रखे हम ना रखे हम नहीं खींचे। हम घर के लोग जो शादी के लिए बेकार हो गए बा, हम कह घर वाला जाए उ समझो घर वाला रोगो बताई की रोग केकरा पर है अब रोग कहाँ जाए पति के सगर हम की कहाँ जाए हम तब यही घर में रहम हम कहाँ जब निकल गए घर से हम तो यही घर में कहाँ रही है ये ना रही है ये बताए रब में ले कोई कदर होकेला ना होला कवनो कदर ना होला। तू शादी कैलू का सोच के इनका से ना मालूम रहे कि इनका शादी हो गए पहले हमरा ना मालूम रहा हम प्यार भइल हम प्यार शादी कर लेनी मैंने प्यार होके से पहले ही तो कम से कम था लगा लो चाहे कि इनका शादी भइल बा कि नहीं के भइल घर लड़का फैके बाहर सके नहीं कसन उतना के पूछ के प्यार थोड़े करे अच्छा तो प्यार केहू से कबो हो जाई प्यार से तो प्यार करे वाला भगवान ने पूछल गेला देख लीजिए ये जब से आए हैं भैया तब से झगड़ा ही चल रहा है लोगों जब से आए हैं तब झगड़ा चल रहा है समझ चला उसके वो रह रहा था मीडिया लगा देख के भूत सवार हो जाता कहां जियो जहां चलावे लगा मीडिया लगा तू बिटोल वाला हमने के बिटोल बन जिसके जब जाता ना नहाए देता ना धोए देता घर में घुसे देता लगे साला एक दिन जो दिन साल में 10 आदमी में नहले धोले नहीं के तन के चलते ना ना हमने से का मतलब है हमने का उससे का मतलब कौ लेके जा हमने से का मतलब ना तो बिन्नी कटी तू बजा के आप जो किए वो सही किए है हम सही नहीं किए सही किए सही किए कैसे नहीं सही किए सही किए जिसे प्यार किए जिसको दिल दिए उसके जिंदगी के इनसे क्या हुआ था इनसे मतलब आपको क्या हुआ था? तीन तीन इनका बच्चा है तीन को बच्चा है इनका ऑलरेडी तीन तीन बच्चे के होने के बावजूद जो है ये इंसान शादी किया प्यार करके। अब जरा सोचिए कि आखिरकार बाहर जाते हैं तो कैसे कैसे किससे लव हो जाता है और लव होने के बाद जो है घरवाली को भूल जाते हैं और बाहर से एक ऑलरेडी भैया चले आ लेकर के देख लीजिए पहले आप किसके साथ रहिएगा आपको किसके साथ रहना है हमारा मैं अपना है मेहरा रुसत रहे हाँ। 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 में जा चाचू हाँ। में जा कहीं चल जाइए कहीं जा सोच लड़का हम का हमारा लड़का ना हो सके कुछ ना क्या कर लड़का हम कह क्या कर लड़का क्या करना है हम कह हम कह देते हाथ छोड़ कर हाथ छोड़ कर तुमको शर्म लगा तुमको शर्म नाम चीज बन के मीडिया ही जे खराब हो जाते लतिया हथिया में चला जाते बा बढ़ जाते का ये तब ये तब हिम्मत बढ़ जाते अब देख लीजिए जब से इनका शादी हुआ तब से झगड़ा स्टार्ट है थोड़ा आगे आइए आगे आइए का चाहते हैं आप लोग रोवा का चाहता नहीं अब हम चाहता नहीं पतो गई रखे वो कैसन पतो हम पतो ही हम बोला के ले तो ये तो कहते रखे हम का जाने हम जाने के ले में ताना का रखे अब 5 गो लोग से लोग बतिया 50 गो लोग से 50 गो लोग का घर में रख ले मीडिया बुला के लगातार इंटरव्यू जारी होता है तो क्या हो मीडिया वाले ले जाइए बुला के हक खोजता रहा देख लीजिए अब हम लोग को लेकर जाना पड़ेगा इन लोगों को जी अब कहाँ जाए बेचारी अब कहाँ जाओगी तुम हम यही पर आएंगे कहीं जाओ का सोच लो का सोच के पहले बनन त इनका के रखियन त ई जान आपका बेटा है ये बाहर गए थे आपसे बात नहीं हो रहा था इनका फोन से बात नहीं हो रहा था इनसे बात ना वो सब थोड़े कहेगा क्या कर रहा है ना था लगल कि ना हमरे ना जाता रहे कि मेरा साल भर दू
साल भर दू साल बाहर कमाते हैं तो सपोर्ट नहीं कर हम खोज के सपोर्ट करे। अब देखिए समाज में शादी होता है, इन लोगों का समाज के साथ शादी होता है और समाज के मतलब वहाँ पे मौजूदगी थी जब इनका शादी हुआ। और देख लीजिए ये उनकी वाइफ है और ये जो है प्यार वाली वाइफ है, यानी कि ये जो है वो घर वाली है और ये जो है बाहर वाली है। और इनका कहना है कि हम शादी और प्यार जो है इन्हीं से किए हैं, इनसे इनको हम जानते ही नहीं है। जब शादी हुआ था अब इनका विरोध काहे नहीं किए थे? अरे हमको फंसा दिया तो हम क्या जाने जी, घर वाले मजबूर कर दिया था लो, ये जो नई शादी करोगे तो हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, जान दे देंगे तुमको, कुछ नहीं है। मतलब आपका शादी जो हुआ है उनसे जबरदस्ती हुआ है? जबरदस्ती हुआ है क्या भाई लगा सब हम झूठ कर बोला ना पटारी में झगड़ा पटारी में झगड़ा जमीन बड़का प्यार का भूत ये झगड़ा जो है लगातार सोशल मीडिया पे आजकल वायरल चल रहा है। और यहाँ भी एक समझिए भैया मतलब मुद्दा बन चुका है कि बाहर वाली और घर वाली। और ये बताइए आप मतलब कहाँ जाइएगा जब हम कहाँ जाएंगे, हम घर में रहेंगे, उसको पूछिए ना कहाँ जाएगा, बाहर वाली के रखेंगे घर वाली के हम जाए खोज के लेवे अचानक ना क्वेश्चन सवाल हुए सवाल करी ना जन उधर काल भी उधर ही बुढ़री से हमरा से एकरा से काते सवाल करते रहुआ के का रखे हम बाहर वाली के घर वाली के बाहर वाली के बाहर वाली के आ घर वाली बेकार हो गई लो घर वाली बाहर में जा हम का जाने तो बता तीन तीन बच्चा काहे किए तब उसके साथ हम कुछ नहीं जानते हैं हम बस सब कुछ इसको जानते हैं किसी होश खत्म हो गया प्यार में प्यार के भूत चढ़ल बाटे चढ़ गइल बा। अब देख लीजिए अब ज्यादा हम बात क्या बताएं, अब इनकी कहानी जो है लगातार सोशल मीडिया पे आजकल वायरल है और आप लोग भी देखिए और लगातार इस पे कमेंट कीजिए कि ये लोग जो किए है वो कितना सही किए और कितना गलत किए है। आज ये बेचारी जो है इनका शादी होता है इनके साथ में, पहले इनको बहुत दिखा दीजिए पहले इनको पास में आकर के कि इतनी सुंदर औरत को जो है ये आदमी जो है छोड़ करके। और हम किसके ओर से बोले भैया, यहाँ से बोलेंगे तो ये लोग बोलेंगे ये लेकर आए हैं और इनके ओर से बोलेंगे तो ये बोलेंगे ये लेकर आए हैं, लेकिन हम लोग का क्या इसमें कसूर है? और ये लोग जो है समाज को किस प्रकार की दिशा दिखा रहे हैं? आप लोग है? हम बोले कि आप लोग है। लड़के जो लव मैरिज करते हैं ना जो कितने वर्ष की उम्र में शादी होता है हमको वो कुछ नहीं मालूम, हमको बस इसके बारे में मालूम है जब कब से इसे प्यार करते हैं किसने दिन से रहते हैं हम इसके बारे में मालूम है उसके बारे में हमको कुछ मतलब बचपन के प्यार जो अन बात समझ आई कि एगो छोट मोट चार पांच महीना बाहर में जाकर रह गए प्यार हो गए तो उनका सही कहा शादी हो गई भैया है मतलब हम हेने से बोलन तो हेने का ना होके मैं हेने से बोलन तो हेने का ना होके हम तो इसका कहना है कि भैया इस वीडियो को जो है कमेंट कीजिए और लगातार शेयर कीजिए ताकि और लोग जो है इनके बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।